हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं दी सुसाइड स्क्वाड फिल्म के सेट इमेजेस के बारे में, जिसे देखकर हमें फिल्म के कुछ कैरेक्टर की और कंफर्मेशन मिलती है कि कौन से एक्टर किस कैरेक्टर का रोल प्ले कर रहे हैं। तो चलिए अब ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधे बात करते हैं फिल्म की उस सेट इमेजेस के बारे में, वो भी एक छोटी सी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। सो फ्रेंड्स, उन सेट इमेजेस की बात करने से पहले कुछ और बातें भी क्लियर कर लेते हैं इस फिल्म से रिलेटेड, जिनमें हम सबसे पहले बात करेंगे जेम्स गन के अपडेट के बारे में। वेल, जेम्स गन ने ये बात कंफर्म क्लियर कर दी है कि उन्होंने दी सुसाइड स्क्वाड फिल्म की स्टोरी ऐसी लिखी है जैसी डीसी फैंस इस फिल्म को देखना चाहते थे, यानी उनके दिमाग से निकला हुआ एक अलग ही आइडिया। और जेम्स गन के अकॉर्डिंग ये उनके करियर की सबसे बेस्ट और सबसे ज्यादा फनी फिल्म होगी, वो भी डीसी के डार्क मटेरियल के साथ, ताकि डीसी फैंस असली सुसाइड स्क्वाड को लाइव एक्शन वर्जन में देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो, जिसका मतलब साफ है कि ये डीसी के की एक आर रेटेड फिल्म होगी। और इसके अलावा बाकी और दूसरी कंफर्मेशन की बात कर ली जाए तो 2016 में आई हुई सुसाइड स्क्वाड फिल्म के एक्टर एडी वाली अकिनजी का ये कहना है कि वो अब डीसी के यूनिवर्स में किलर क्रॉक के कैरेक्टर का रोल प्ले नहीं करना चाहते, और उन्हें नहीं पता कि क्या जेम्स गन की फिल्म में इस कैरेक्टर को लिया भी गया है या नहीं। और यही नहीं, जेम्स गन ने यह भी बात कंफर्म की कि वार्नर ब्रदर्स की तरफ से उन्हें किसी भी डीसी की फिल्म का ऑफर दिया गया था, बट जेम्स गन ने द सुसाइड स्क्वाड फिल्म के प्रोजेक्ट को चुना क्योंकि उन्हें इसी प्रोजेक्ट में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, ताकि वो लोगों को ये दिखा सके कि डीसी के अननोन कैरेक्टर लोगों के किस तरीके से फेवरेट कैरेक्टर बन सकते हैं अगर उन्हें सही ढंग से बनाया जाए तो ही। कल तो जेम्स गन की इस बात में भी काफी ज्यादा दम है, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से फिल्म की पूरी कास्टिंग की है वो बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है, और उससे भी ज्यादा डिफरेंट है हर एक कैरेक्टर को दिया गया एक डिफरेंट कैरेक्टर का रोल, जिसके बारे में मुझे नहीं लगता है ज्यादातर लोगों को पता होगा। लेकिन अब फिल्म की लीक सेट इमेजेस से हमें ये भी बात पता चल गई कि फिल्म में कुछ एक्टर कौन से कैरेक्टर का रोल प्ले कर रहे हैं दी सुसाइड स्क्वाड फिल्म में। बेसिकली आप इसे सुसाइड स्क्वाड 2 भी कह सकते हैं। जी हाँ, ये फिल्म दी सुसाइड स्क्वाड 2 है, लेकिन फिल्म के टाइटल में 2 को ऐड नहीं किया गया, और उसका रीजन भी मैं आपको इस वीडियो में काफी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा। और अब आ जाए फिर से जेम्स गन पर, तो जेम्स गन के अकॉर्डिंग जैसे कि मैंने कहा, ये फिल्म उनके करियर की सबसे बेस्ट फनी फिल्म होगी, और ऊपर से इस फिल्म को आर रेटेड भी रखा जाएगा, यानी जो चीज जेम्स गन एमसीयू के यूनिवर्स में ट्राई करना चाहते थे वो सारी की सारी चीजें अब जेम्स गन इस फिल्म में डेफिनेटली दिखाएंगे। और अगर जिन लोगों को ये लगता है कि जेम्स गन को आर रेटेड फिल्में बनानी नहीं आती है, तो वो लोग जाकर जेम्स गन की करियर की फिल्में चेक कर ले। जेम्स गन ने इसके पहले स्लीथर और दी बॉलकम एक्सपेरिमेंट जैसी फिल्म भी बनाई है, यानी जेम्स गन इस फिल्म में नए है नहीं। खैर, तो अब आते हैं फिल्म के कैरेक्टर्स पर, जिस पर इसके पहले मैंने आपको एक काफी डिटेल वीडियो बनाकर दी थी, और उसकी लिंक आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगी, और इस वीडियो के एंड में भी, क्योंकि उस वीडियो में मैंने आपको ऑलरेडी ये भी बात बता दी थी कि पुरानी फिल्म से कौन से कैरेक्टर इस फिल्म में वापस बुलाए गए हैं और उन्हें इस फिल्म में कौन से कैरेक्टर का रोल दिया गया है। लेकिन फिर भी अगर यहाँ पर बात करें कैप्टन बूमरैंग के कैरेक्टर की, जिसका रोल सुसाइड स्क्वाड के यूनिवर्स में जैक ऑटनी करते हैं, जिनका लुक उस फिल्म में ठीक ठाक था, लेकिन अब यहाँ पर कैरेक्टर डेवलपमेंट के नाम पर हमें देखने मिला है उनका एक अलग ही लुक, जिस लुक को देखकर मैं तो बहुत ही ज्यादा खुश हुआ हूँ, क्योंकि अब वो मुझे एक एंगल से एक परफेक्ट कैप्टन बूमरैंग लग रहे हैं। और इसी से हमें ये बात साफ साफ पता चल जाती है कि जेम्स गन इस फिल्म को लेकर कितने ज्यादा सीरियस है, बट हो सकता है कि बूमरैंग के कैरेक्टर का रोल इस फिल्म में ज्यादा ना हो, क्योंकि वो जो हमें टीम के साथ में नजर आ रहे हैं, वो टीम हमें शायद फिल्म के विलन के बारे में बता रही है, यानी एक इविल सुसाइड स्क्वाड जो फिल्म के फर्स्ट हाफ में किसी मिशन को पूरी तरीके से फेल कर देगी, या फिर फिल्म के कुछ ही हाफ में इन सभी कैरेक्टर्स को मार दिया जाएगा, क्योंकि सुसाइड स्क्वाड इसी के लिए बनाई जाती है। और जब ये टीम खत्म होती है तो इस टीम में फिर से नई भर्ती कर ली जाती है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको एक चीज स्टार्ट में ही बताई, ये फिल्म एक्चुअल में सुसाइड स्क्वाड के यूनिवर्स का सेकंड पार्ट है, यानी जो हमने इसके पहले वाली सुसाइड स्क्वाड में पूरी की पूरी टीम देखी थी वो कहां पर गई। वेल, तो उसकी भी कुछ डिटेल की यहां पर बात कर लेते हैं। जैसे कि हार्ली क्विन इस सुसाइड स्क्वाड की टीम में होगी, और बूमरैंग को तो हम देख चुके हैं, और रिक फ्लैग का कैरेक्टर भी हमें इस फिल्म में फिर से नजर आने वाला है, और हाँ, अमेंडा वॉल्टर के कैरेक्टर को कौन भूल सकता है। और इन सब के अलावा बाकी बात करें और दूसरे कैरेक्टर्स की जो हमें इस फिल्म में नजर नहीं आने वाले, तो उन सभी के नाम है किलर क्रॉक, जिसके बारे में अभी मैंने आपको बताया, उसके बाद जारेड लूडो का कैरेक्टर जोकर, जिन्हें इस फिल्म से कोसों दूर रखा गया है, और ऐसा ही कैरेक्टर है इंचवेंडर्स का, और आखिर में है कटाना। और बाकी के दो कैरेक्टर तो फिल्म में मारे गए थे, जिनमें से एक है डायब्लो और दूसरा है स्लिप नॉट। और सबसे मेन कैरेक्टर की बात कर लेते हैं, यानी डेडशॉट, जिन्हें लेकर पहले रूमर ये निकल कर आई थी कि इद्रिस एल्बा को विल स्मिथ की जगह पर लिया गया है, लेकिन अब हमें फिलहाल तो ये बात साफ साफ पता चल गई है कि इद्रिस एल्बा इस फिल्म में डेडशॉट के कैरेक्टर का रोल नहीं करने वाले, और विल स्मिथ डीसी के इस यूनिवर्स में डेडशॉट ही है। तो शायद हो सकता है कि विल स्मिथ को इस फिल्म में काम करने का टाइम ना मिला हो, जिसके चलते जेम्स गन ने अपने हिसाब से फिल्म की स्टोरी लिखी, यहाँ तक कि उन्होंने डेडशॉट के कैरेक्टर को हटाकर इद्रिस एल्बा के कैरेक्टर को भी ऐड किया, जिस कैरेक्टर का नाम है विग्विलेंटी। और ये कैरेक्टर ऑब्वियसली अगर कंपेयर किया जाए तो डीसी के यूनिवर्स का पनिशर है, जिसकी एक झलक हमने डीसी के शो एरो में भी देखी है, लेकिन उस वर्जन और इस वर्जन में जमीन आसमान का फर्क होगा। बट अब तक इद्रिस एल्बा का लुक लीक नहीं हुआ है, यानी जो सेट इमेजेस हमारे सामने
सामने निकल कर आई है। उस सेट इमेजेस से हमें यही बात पता चल जाती है कि ये सारी की सारी सुसाइड स्क्वाड की टीम फिल्म के फर्स्ट हाफ की ही है। और आई एम सॉरी वो सारी की सारी इमेजेस ना दिखाने के लिए, क्योंकि मैं अपने चैनल पर कोई भी कॉपीराइट स्ट्राइक चाहता नहीं हूं। और ऊपर से ये प्रोजेक्ट है वार्नर ब्रदर्स का। जो लोग बस बहाना ढूंढते हैं कि कोई भी यूट्यूबर बस छोटी सी गलती करे, वो लोग उस गलती को नजरअंदाज बिल्कुल भी नहीं करते। इसलिए अगर आपको वो सारी की सारी सेट इमेजेस देखनी है, वो भी पूरे के पूरे कैरेक्टर की डिटेल के साथ, तो वो सारी की सारी इमेजेस आपको मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर मिल जाएगी कि इस फिल्म में कौन से एक्टर कौन से कैरेक्टर का रोल प्ले कर रहे हैं। फिर तो वापस आते हैं फिल्म के टॉपिक पर, और ऐसी ही दूसरी कंफर्मेशन है फिल्म के एक और एक एक्टर डेविड डैशमैन चैन की, जो इस फिल्म में पोलका डॉट मैन के कैरेक्टर का रोल प्ले कर रहे हैं। और आप सभी को ये भी पता होगा कि इस फिल्म में हमें स्टीव एगी किंग शार्क का रोल करते हुए नजर आने वाले हैं। यानी सच में फिल्म का बजट बहुत ही ज्यादा हाई रखा गया है। और ऐसा ही सीजीआई कैरेक्टर हम टाइका वाटीटी का भी देखेंगे, बट उनके कैरेक्टर के रोल की कंफर्मेशन यहाँ पर नहीं की गई है। और फिल्म में एक और सीजीआई कैरेक्टर है जिस कैरेक्टर का रोल इस फिल्म में सेन गन करने वाले हैं, जिन्हें हमने इसके पहले एमसीयू के यूनिवर्स में रॉकेट के कैरेक्टर का मोशन कैप्चर करते हुए देखा है। और इस बार भी वो डीसी के इस यूनिवर्स में ऐसे ही किसी कैरेक्टर का रोल करने वाले हैं, जिस कैरेक्टर का नाम है द वीजल, जिसे ज्यादातर तो डीसी फैंस पहचानते ही नहीं है। लेकिन अगर इसकी थोड़ी डिटेल की बात करें तो कैरेक्टर को देखकर हमें ये बात पता चल जाती है कि पहले ये आम सा दिखने वाला शख्स होगा, जिसके बाद वो खुद को एक वीजल में ट्रांसफॉर्म कर लेता है, जो बहुत ही ज्यादा खूंखार है। और ऊपर से कॉमिक बुक में ये कैरेक्टर ब्लैक लैंटर्न क्रॉप्स का भी हिस्सा था, जिसके बाद इसे मार दिया गया था, बट फिर से इस कैरेक्टर को वापस भी लाया गया था, पर ज्यादा टाइम के लिए नहीं। और कॉमिक बुक में ये कैरेक्टर बस लोगों को बे मतलब का मारता ही रहता है, क्योंकि वो उन सभी के खून का प्यासा होता है, वो भी बस एक वेयरवुल्फ की तरह। और फिल्म में शायद ये कैरेक्टर हमें कुछ यही चीजें करता हुआ नजर आएगा, यानी ऑब्वियसली ये कैरेक्टर विलन की साइड हो सकता है। और अब आ जाए सेट की दूसरी इमेजेस पर, तो हमें उस इमेज में ब्लू लेबॉक का भी कैरेक्टर देखने मिलता है, जिस कैरेक्टर को देखकर मुझे लगता है काफी सारे डीसी फैंस कंफ्यूज भी हो गए होंगे कि एक्चुअल में ये डीसी के यूनिवर्स का कौन सा सुपर हीरो है। वेल, ये सुपर हीरो नहीं बल्कि एक सुपर विलन है, जिसका नाम है जेवलिन, जो एक ओलंपिक एथलीट है, बट अपने काम के चलते वो ज्यादा फेम बटोर नहीं पाया, जिसके बाद वो विलन की साइड हो गया। और एक पॉइंट पर उसने ग्रीन लैंटर्न को भी सताया था, यानी उसी की कॉमिक बुक में एक विलन बनकर। और अगर जेवलिन के कैरेक्टर की कुछ पावर्स की बात कर ले, तो जेवलिन के पास हैंड टू हैंड कॉम्बैट है, जिसमें वो बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट है। और उसके बाद उसके पास है उसकी स्किल्स, जिसमें वो एथलीट्स करता है और अपने जेवलिन का सही यूज भी। और उसके बाद आए अगले कैरेक्टर पर, तो सेट पर हमें नजर आया पैटी डेविडसन, जिस कैरेक्टर को हम एक हिसाब से सुसाइड स्क्वाड के इस यूनिवर्स का रॉबिन तो कह ही सकते हैं। और इस कैरेक्टर का नाम है सेवन, जो फाइटिंग स्किल्स के साथ साथ काफी सारी हैकिंग्स भी जानता है, जिसमें वो बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट है। और ये कैरेक्टर भी लोगों की मदद के लिए ही आगे बढ़ा था, लेकिन बाद में सिचुएशन चेंज होने की वजह से ये विलन की साइड हो गया। और कुछ हद तक हमने इस कैरेक्टर को बर्ड्स ऑफ प्रे की कॉमिक बुक में विलन के रोल में भी देखा है। और उसके बाद आ जाए अगले एक्टर पर, तो इस एक्टर का नाम है नेथन फिलियन, जिन्हें हम सेट पर काफी अजीब से कॉस्ट्यूम में देखते हैं। और अगर इस कैरेक्टर की कंफर्मेशन करें, तो इस कैरेक्टर का नाम है ब्लैकगार्ड, जो एक्चुअल में बूस्टर गोल्ड की कॉमिक बुक का विलन है, जो फ्यूचर से आया है। बट इस फिल्म में इस कैरेक्टर को किस तरीके से इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा, उसकी डिटेल तो फिलहाल मेरे पास नहीं है। लेकिन अगर देखा जाए तो इस कैरेक्टर का रोल प्ले कर रहे एक्टर नेथन फिलियन बूस्टर गोल्डर के कैरेक्टर का रोल प्ले करना चाहते थे, बट अनफॉर्चुनेटली वैसा हुआ नहीं। बट जेम्स गन ने उन्हें डीसी के यूनिवर्स में बूस्टर गोल्ड के कैरेक्टर के अगेंस्ट खड़ा कर दिया है, वो भी कॉमिक बुक में लॉन्ग टाइम रहे विलन ब्लैकगार्ड के रोल में। और उसके बाद आ जाए अगले एक्टर पर, तो अगली एक्ट्रेसेस है मे लिंग, जो इस फिल्म में और किसी कैरेक्टर का रोल नहीं बल्कि डीसी के काफी पुराने विलन फीमेल मंगोल का रोल कर रही है। अब इसी नाम के डीसी के यूनिवर्स में टोटल तीन कैरेक्टर्स है, एक है रूलर ऑफ वर्ल्ड वॉर मंगोल, जो इस मेल वायलेंट मंगोल का पिता है। अब आई नो काफी लोग इस कैरेक्टर को थानोस के साथ कंपेयर करेंगे, क्योंकि चेयर बिल्कुल एक सी है। तो फिर से आते हैं टॉपिक पर, जहां पर रूलर मंगोल का ये सपना था कि वो सुपरमैन को किसी भी कीमत पर हरा दे और उसे मार भी दे, जिसके बाद वो इस सपने को पूरा नहीं कर पाया और आखिर में मारा गया। जिसके बाद रूलर मंगोल के इस सपने को पूरा करने के लिए उसकी बेटी मंगोल और जूनियर मंगोल ने कसम खाई कि वो सुपरमैन को जान से मार देगी, बट बाद में वो लोग इस मिशन को पूरा नहीं कर पाए, जिसके बाद फीमेल मंगोल ने खुद ही के परिवार को एक वीकनेस बताया, जो हर बार उसके रास्ते में आ जाती है। मानो जैसे कभी सुपरमैन जूनियर मंगोल को हरा देता है, तो इसके चलते फीमेल मंगोल को अपने हथियार डाल देने पड़ते हैं, बट ये चीज जूनियर मंगोल को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, जिसके बाद वो अपनी बहन को खुद ही मार देता है। बट फिल्म में अब हमें जूनियर मंगोल का कैरेक्टर दिखाया जाएगा या नहीं, उसकी कंफर्मेशन तो नहीं की गई है, इसलिए बस फीमेल मंगोल के कैरेक्टर से ही काम चला लो। बट आई नो मेलिंग का ये कैरेक्टर अभी उतना ज्यादा हमें स्ट्रॉन्ग नजर नहीं आ रहा, जितना ज्यादा हमने स्ट्रॉन्ग इसे कॉमिक बुक और कार्टून की सीरीज में देखा है। लेकिन मुझे लगता है सीजीआई वर्क भी बहुत ज्यादा जरूरी है, जो इस फिल्म में डेफिनेटली होगी ही, और हो सकता है कि इस वजह से इस कैरेक्टर में भी काफी ज्यादा चेंजेस किए जाए। तो अब सेट पे जितने भी एक्टर्स दिखे थे उनके अलग कैरेक्टर के रूप में उसकी डिटेल मैंने आपको दे दी है। और अब कुछ और कंफर्मेशन की बात की जाए, तो और कंफर्मेशन भी की गई है। जैसे कि बात करें डेनियला के कैरेक्टर की, तो वो इस फिल्म में रोल प्ले कर रही है रेड कैचर का। और पीटर कैपेल्डी के कैरेक्टर को लेकर ये कहा जा रहा है कि वो इस फिल्म में शायद मिस्टर फ्रीज के कैरेक्टर का रोल प्ले कर सकते हैं, बट अभी तक उसकी कंफर्मेशन नहीं की गई है। और हाँ, बात करें जॉन सिन्हा के कैरेक्टर की, तो जॉन सिन्हा इस फिल्म में पीस मेकर के कैरेक्टर का रोल प्ले करने वाले हैं, जिस कैरेक्टर के हेलमेट में उसकी पावर्स है। यानी जैसे कि उसके हेलमेट उसे बताते हैं कि इस कैरेक्टर को आगे करना क्या है। बेसिकली ये कैरेक्टर आर्मी से है, और जॉन सिन्हा इस कैरेक्टर के रोल में बिल्कुल
बिल्कुल परफेक्ट है। वेल तो अब मैंने आपको जितनी भी कास्टिंग की कंफर्मेशन दी है उनके कैरेक्टर के रोल को लेकर, वो सारे के सारे कैरेक्टर डीसी के अननोन कैरेक्टर्स है, जिसे जेम्स गन अब काफी अच्छी तरीके से यूज कर लोगों को यही बताने वाले है कि डीसी के यूनिवर्स में कितने ज्यादा अच्छे अननोन कैरेक्टर्स है जिन्हें काफी अच्छी तरीके से यूज किया जा सकता है। और अब फिल्म की टाइमलाइन की कंफर्मेशन की जाए तो यह फिल्म सीधे बर्ड्स ऑफ प्रे फिल्म की टाइमलाइन के बाद ही आएगी, यानी उस फिल्म में जो भी इवेंट होंगे उसके असर इस फिल्म में भी हमें दिखाए जाएंगे कि गौतम सिटी का क्या हाल है, क्योंकि ऑब्वियसली हार्ली क्विन अपनी बर्ड्स ऑफ प्रे की टीम से शहर में काफी अफरा तफरी मचाने वाली है। अगर आपको बर्ड्स ऑफ प्रे फिल्म से भी रिलेटेड काफी सारी डिटेल्स चाहिए तो वो डिटेल भी मेरे चैनल पर अवेलेबल है, आप जाकर उस फिल्म की भी कुछ डिटेल्स देख सकते हैं। वेल अब अगर आपको लगता है कि मैंने कोई डिटेल मिस कर दी है इस फिल्म के फर्स्ट लीक सेट इमेजेस को लेकर, उस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। और उसी के साथ साथ अगर आपको मेरी ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और लगे आते उस बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मैं चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। वेल तो अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, टिल देन बाय।